क्लोज बैंड, क्लोज रिंग, कट रिंग, नो रिंग, बहुत सारे न्यू हॉबीज या बहुत सारे हॉबीज लोग ये सवाल पूछते जरूर होंगे, ये रिंग, नो रिंग और कट रिंग का क्या फंडा है। तो आज के आपकी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि रिंग या ना रिंग या नो रिंग जिसको बोलते हैं, या कट रिंग होने में, और इस रिंग के वजह से आपकी बर्ड की हॉबी पे क्या क्या असर पड़ सकता है। सो ये सारा वीडियो आप पूरा देखना एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं सो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल का आइकन दबाइए, सो दैट एनी वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आए। रिंग क्या होती है? आप कभी भी मेरे या कोई भी एग्जॉटिक बर्ड देखे होंगे तो आप क्लोज आएंगे तो आप देख सकते हैं ये एक रिंग होती है। सो हर बर्ड के पैर में इस तरीके की रिंग होती है, ठीक है। अब ये रिंग तीन तरीके की होती है। क्लोज रिंग, अगर आप नजदीक आके देखेंगे तो ये पूरी तरीके क्लोज है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जब ये बच्चा 10 से 15 दिन के बीच में हैंड फीट पे था तब इसको ये रिंग पहनाई गई और ये रिंग जिंदगी भर इसके पैर में रहेगी। दूसरी होती है कट रिंग, जो बीच में से कटी होती है, जो बर्ड्स को बाद में पहनाई जाती है जब इनके टांगों का साइज बढ़ जाता है, तो उसके बाद इसको पहना कर इसको दबा दी जाती है। और हर बर्ड और हर रिंग के ऊपर है ना अलग अलग तरीके के प्रिंट होते हैं, बहुत से आईडीज होते हैं जो अल्फा न्यूमरिक होते हैं, मतलब ए बी सी डी और नंबर 1 2 3 4 मिला के लोग इसका रिंग आईडी बनाते हैं। सबसे पहला सवाल, मैं जितनी भी आपको ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ये सिर्फ देने जा रहा हूँ इंडिया के अंदर की बात, क्योंकि मेरी जो नॉलेज है वो इंडियन गवर्नमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत है। तो अगर आपके बर्ड के ऊपर कोई भी नंबर है या रिंग लेने के लिए आपको कोई लाइसेंसिंग या कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी रिंग मैन्युफैक्चरर, बहुत सारे हैं जो बर्ड के पैरों के रिंग बनाते हैं, आप वो बना सकते हैं। आप उसको बोलिए कि मेरे को इस पे ये प्रिंट करवा के दीजिए। आपका सबसे पहला जो सवाल है, रिंग लेने या रिंग के ऊपर आईडी डालने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है? नहीं होती। अब मैं आपको बताऊँगा ये रिंग का ओरिजिन कैसे होता है। एक आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के बर्ड है काकाटूस, अमेजोन्स के बर्ड है मकाउज अमेजोन्स, दूसरी कंट्री के अलग अलग बर्ड है जो वहाँ पर वाइल्ड में पाए जाते हैं। वहाँ पर क्या होने लगा, कैप्टिव ब्रीड, मतलब पाले हुए बर्ड को और वाइल्ड बर्ड को डिफरेंशिएट, दोनों में फ़र्क करने के लिए रिंग का कॉन्सेप्ट निकाला गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑस्ट्रेलिया में एक बर्ड है जिसके पैर में रिंग नहीं है तो वहाँ की गवर्नमेंट वो बर्ड को कॉन्फिस्टिकेट, जब्त, सीज कर सकती है। सो वाइल्ड बर्ड को कैप्टिव बर्ड से डिफरेंशिएट करने के लिए रिंग बनाएगी। सो जब ये बर्ड जैसे काकाटू, मकाउज, अमेजॉन्स इंडिया के जब जंगल में नहीं मिलते तो इसका रिंग का इंपॉर्टेंस इंडिया में क्या होगा, बताइए आप। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको क्या लगता है, जब ये बर्ड हमारे इधर, जब ये बर्ड वाइल्ड में मिलते नहीं तो वाइल्ड और कैप्टिव बर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए रिंग हमारे इधर यूजफुल होती है कि नहीं होती है? आइए मैं आपको समझाता हूँ। सो रिंग किस काम में आती है, देखिए रिंग में क्या होता है, रिंग एक तरीके का बर्ड का आधार कार्ड नंबर होता है। जिस तरीके से अमेरिका का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, इंडिया में आधार कार्ड नंबर होता है, उसी तरीके से हम लोग बर्ड से बर्ड को डिफरेंशिएट करने में, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10 मकाऊ है तो मैं 10 मकाऊ को किस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा कि ये 10 अलग अलग लोग हैं, चाहे वो ब्लू गोल्ड ही क्यों ना हो। ग्रीन विंग को ब्लू गोल्ड से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मगर आपके पास अगर 10 ब्लू गोल्ड हैं या 10 मोलकन काकाटू है तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सो हर आईडी पे, हर रिंग पे हम लोग अलग अलग आईडी डालते हैं, ठीक है। यही आईडी आपको काम आती है डीएनए सर्टिफिकेट के लिए। सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है बर्ड को डिफरेंशिएट करने में और डीएनए सर्टिफिकेट में, और डीएनए सर्टिफिकेट में ओनर का भी नाम आता है, तो एक तरीके से ओनरशिप डिटेल भी हो जाती है, ओनरशिप का प्रूफ भी हो जाता है। सो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, बर्ड के लेग के रिंग का कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है कि इसके पैर में रिंग है नहीं है। ये बहुत सारे ट्रेडर और ब्रीडर मार्केटिंग गिमिक खेलते हैं कि क्लोज बैंड है, क्लोज रिंग है तो आपको ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अगेन, आप ये बात ध्यान में रखिए, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से। इंडियन गवर्नमेंट लॉ में कहीं नहीं बोला गया है कि आपको बर्ड रखना है तो
तो उसके पैर में क्लोज रिंग होना चाहिए. डिड यू गेट माई पॉइंट्स वेरी क्लियर? इफ़ यस प्लीज कमेंट आपको लगा कि पॉइंट सही था. अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ. आज कॉन्यूर इंडिया के हर गली मोहल्ले में ब्रीड होता है. बहुत से लोग कॉन्यूर की जब ब्रीड होने के बाद बच्चा होता है रिंग पिनाते हैं, रिंग नहीं पिनाते, उसको कभी कभार बाद में पिनाते हैं तो कट रिंग हो जाती है. तो रिंग का रहना ना रहना इट डजंट मेक एनी सेंस. बर्ड कट रिंग भी हो सकता है, क्लोज रिंग भी हो सकता है. सो एक क्लोज रिंग बर्ड लेने से आपको एटलीस्ट ईयर पता चलता है कि ये बर्ड कहाँ ब्रीड हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम सारे ट्रेडर्स हैं या ब्रीडर्स हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये बर्ड ये फार्म का है. सो ये मेरा ट्रस्ट वर्दी बंदा है तो ये फार्म से मैंने लिया है, एक ट्रस्ट का एक हो जाता है. मगर बहुत से लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि अगर हमको बड़ा बर्ड ले रहे हैं तो क्लोज रिंग बर्ड चाहिए. सो इट इज़ एडवाइजबल. सो अगर आप बड़ा बर्ड ले रहे हैं, हर चीज़ें आप देखते हैं, हेल्थ देखते हैं. अब जैसे इसकी हेल्थ आप देख सकते हैं, हर चीज़ आप देखते हैं, तो एक आदमी बोलता है इतना पैसा मैं खर्चा कर रहा हूँ, सो वाई डोंट आई टेक अ क्लोज बैंड बर्ड. तो मुझे क्लोज रिंग बर्ड चाहिए. मगर मैंने आपको इसकी लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे इसकी चीज़ें बता दी. इंडियन गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से बर्ड की रिंग का लेने देने से कोई ताल्लुक नहीं होता है. अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसकी वजह से शायद आपको रिंग की इम्पोर्टेंस का पता लग सकता है. बहुत से बड़े बर्ड्स जो होते हैं वो इल्लीगली तौर पर बांग्लादेश से इंडिया में घुसाए जाते हैं. देखिए अगर आप एक इंडिया के जागरूक नागरिक हैं, सो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जो इंडियन गवर्नमेंट मना करती है. आपको बताता हूँ, बहुत से बड़े बर्ड बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर के थ्रू इल्लीगली इंडिया में लाए जाते हैं, उसकी रिंग काट कर उसको नई रिंग पहनाई जाती है, इंडियन रिंग. सो क्लोज रिंग बर्ड से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि बर्ड इंडिया में ब्रीड हुआ हुआ है. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस आप जाके काम आती है. एज एन इंडियन सिटीजन मैं सारे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आप सस्ते बर्ड्स के चक्कर में मत जाइए, लोकल कैप्टिव ब्रीड, इंडिया में ब्रीड किए हुए बर्ड को आप खरीदिए या अडॉप्ट करिए. सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको रिंग, कट रिंग, नो रिंग, ये सब चीज़ में डिफरेंस समझ में आया होगा. अगेन अगर आप नए आए हुए चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए. एंड इन केस यू रिक्वायर एनी टेम बर्ड सच एज काकाटूस, मकाउस और अमेजोन, आप मुझे पिंग कर सकते हैं. कम टू माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज s.t.birds. आप मुझे पिंग करिए, देन वी कैन टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड. एंड कमेंट में बताइए आपको मोलोकन काकाटू कैसा लगा. इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेल्स. ये अभी 3 महीने का है, हैंड फिट पर है. इसकी बुकिंग अभी मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ. क्लोज रिंग बर्ड है जैसा कि आज का टॉपिक था. एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच.